लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और ये जो इरेशनल नंबर्स है उनको नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने ये भी समझ लिया था कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर क्या होते हैं। आज हम एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे। इसमें लिखा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। हमें इनको डिवाइड करके देखना है कि इसका डेसिमल के अंदर जो एक्सपेंशन है वो कितना हो रहा है, और हमें ये भी बताना है कि जो एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, किस टाइप का, ये हम सब लोग इसके अंदर देखेंगे। तो हमने ये डिजिट यहाँ पे लिख दिए है और ये डिवाइड यहाँ पे कर दिया है। तो सबसे पहले जो डिवाइड देना था हमको, 10 के अंदर 3 का डिवाइड देना था, जो हम नॉर्मली डिवाइड देते हैं। 10 के अंदर अगर हम 3 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 9 टाइम, 3 टाइम्स जाएगा। तो 10 - 9 करेंगे, रिमाइंडर हमारा जो बचेगा वो बचेगा 1। 1 के अंदर 3 का डिवाइड नहीं जाता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हमारे यहाँ क्या आएगा, 0। तो इस 10 के अंदर हम 3 का डिवाइड देते हैं वापस, तो कितनी बार जाएगा, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, और कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। वापस रिमाइंडर हमारा बचेगा 1, तो हम वापस डिवाइड देंगे तो वापस 3 टाइम्स जाएगा और 9 आ जाएगा। इस टाइप से अगर हम डिवाइड देते जाते हैं तो हम देखेंगे कि बार बार रिमाइंडर 1 आएगा और इसका जो क्वोशेंट है वो 3 3 आता जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, और ये हमें ये आगे जाके ये जो डिवाइड है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो क्योंकि ये जो डिवाइड ख़त्म नहीं होगा, आगे से आगे चलता जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है, ये बार बार डिजिट है जो रिपीट हो रही है, इसलिए क्या लिखेंगे, रिकरिंग, या इसको हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 7/8, तो हमको इसको डिवाइड देना है। तो 7 के अंदर हम डिवाइड देंगे 8, क्योंकि 7 8 से छोटा है, डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम पहले लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद इधर आएगा 0। तो 70 के अंदर 8 का डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, 8 8 जा 64, 64, 70 में से 64 लेस करोगे, रिमाइंडर बचेगा 6। अब 6 में 8 का डिवाइड नहीं जाता, हमें पता है, यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया था, पॉइंट लगा दिया था। पॉइंट लगाने के बाद हम 1 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 60 में अगर हम 8 का डिवाइड देते हैं कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो 7 8 जा 56, तो 60 - 56 रहता है 4। फिर इस पॉइंट की वजह से हम यहाँ 0 लगा देंगे। 40, 40 के अंदर 8 का डिवाइड जाता है हमारा 5 टाइम, और इसको जब माइनस कर देंगे इधर आएगा 0। तो क्या हुआ, ये जो हमारी एक्सपेंशन है वो 5 पे जाके रुक गई है, इसके आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवाइड खत्म हो गया है। तो ये जो एक्सपेंशन है डेसिमल की वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसके आगे हमें अभी डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया है, 0 आ गया है। ओके, इसलिए ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। फिर हमारा 1/7, तो 1/7 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 1 लिख देंगे। 1 के अंदर 7 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है। तो क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के आगे 0 लिख देंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आएगा 0। 7 का डिवाइड दो, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, कितना आएगा, 7। 10 - 7 रहता है 3। अब क्या होगा, इस पॉइंट की वजह से 0 आएगा, 3 में डिवाइड जाएगा इसका 4 टाइम, कितना आएगा, 28। तो 30 - 28 कितना रहता है, 2। अब 2 के पीछे 0, 20। 7 का डिवाइड दो, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, क्या आ जाएगा, 14। 20 में से 14 माइनस कर दो, पीछे रहेगा 6। अब वापस यहाँ आएगा 0, तो 60 हो गया। तो 7 का 60 में डिवाइड कितनी बार जाता है, 8 टाइम्स आएगा, 56 माइनस कर दो आएगा 40, सॉरी 4, 4 इस पॉइंट की वजह से यहाँ लगा दो 0, तो 40 हो जाएगा, जाएगा डिवाइड 5 टाइम, आएगा 35। अब इन दोनों को लेस करेंगे तो कितना रहेगा, 40 - 35 5 रहता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 5। अब क्योंकि डेसिमल की वजह से यहाँ 0 आएगा, तो क्या करेंगे, 7 को इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 49, और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 1। तो ये जो डिजिट है कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्यों, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रही है, वापस 1 आ गया, जबकि हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या था,
डिवाइडेंड भी 1 था। जब डिवाइडेंड और ये रिमाइंडर दोनों सेम आ जाए तो ये वापस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये वापस डिजिट आगे वाला जो आएगा वो आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये ऐसे ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। ओके, तो ये हमारी डिजिट हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, तो शायद आपकी बुक में नहीं है। सबसे पहले चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि हमें जो ये जो यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है, हम डिवाइड कितनी बार करें कि वो रिपीट हो जाए, हमको ये भी पता भी होना चाहिए। हम आगे से करे जा रहे हैं और हमारा रिपीट नहीं हो रहा है तो हमको समझ में नहीं आएगा हमें कहाँ तक करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे इसका जो डिनोमीटर कितना है, 7 है, तो 7 से एक कम कितना होता है, 6। तो कहने का मतलब है यहाँ से डिजिट गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 डिजिट तक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 6 डिजिट तक आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन 7 डिजिट आपकी वापस क्या आएगी, यहाँ से रिपीट हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर अपॉन में यहाँ 7 है तो डिजिट अगर रिपीट है तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक चल सकती है, 6 तक। 7 नंबर पे आने वाला क्वेश्चन वापस क्या होगा, तुम्हारा 1 ही होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 6 तक ही जाए, 3 पे भी आ जाए, 2 पे भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 तक ही जाएगा, उसके बाद 7 नंबर वाला वापस रिपीट ही आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे क्या था, 10 अपॉन 3 था, क्योंकि अपॉन में कितना है, 3 है, तो 3 से एक कम कितना होता है, 2। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन निकालने के बाद आपका वापस रिपीट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक में ही हो रहा है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। ठीक है ना? तो अगर आपको कोई डिजिट डिवाइड करनी है तो आप कितनी बार करेंगे, जितना नीचे आपके यहाँ पर ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कितने डिजिट बाद में ये रिपीट हो रहा है। इस कंडीशन में जहाँ ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो देखो हमें अगर डिवाइड नहीं किया है फिर भी पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हम यहाँ देखेंगे अगर किसी भी डिजिट के नीचे, जैसे मान लेते हो ये डिजिट 8 है, अगर नीचे यहाँ पे 2 की पावर m और 5 की पावर n हो जाए, और इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, ना तो 3 होना चाहिए अपॉन में, ना 3 या फिर 8, 7 या फिर इस टाइप से, क्योंकि 8 तो क्या है, 8 खुद भी क्या है, 2 की पावर 3 ही है। ओके, कहने का मतलब सुन में आ रहा है, ऐसी डिजिट जो दूसरे नंबर हो, जैसे 3 हो, 7 हो जाए, 11 हो जाए, ये सब नहीं आने चाहिए। ओनली क्या होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n। 2 की पावर m से मतलब जैसे 8 आ गया है, तो 8 2 की पावर m का मतलब है कि 8 क्या होता है, 2 की पावर, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 2 से 2, 4 टाइम, 4 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम, तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो हम 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं। अब यहाँ 5 नहीं था तो 5 की पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर ये 2 ही आ रहे हैं तो ये हमारा नंबर हमेशा कैसे होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 अपॉन डिजिट ले ली, जैसे 10, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 7 अपॉन 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, तो ये 2 और 5 आ रहा है, तो इसकी एक्सपेंशन कैसे हो जाएगी, ये हमेशा टर्मिनेटिंग होगी, ये हो जाएगी 0.7। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे 7 अपॉन 50, टर्मिनेटिंग है या नहीं हमको कैसे पता चलेगा, जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यहाँ पे भी 2 है और ये 5 की पावर 2 है, तो क्या होगा, दोनों 5 और 2 की डिजिट ही आ रही है, तो भी ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा आता 7 अपॉन 30, तो क्या होगा, 7 इसका अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 5 इंटू 6, इसको और कर देते हैं हम 2, तो 6 का क्या फैक्टर होता है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आ रहा है, 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3, तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ओके, अगर यहाँ सिर्फ 2 और 5 ही रह जाए पावर में तो क्या हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। आगे हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, इसमें लिखा है सो दैट 3.14276 इज अ रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर है, इसका मतलब आपको बताना है, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं कि ये जो 3.14678 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। जब टर्मिनेटिंग है तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, हमको सिर्फ पीछे से डेसिमल के जो पॉइंट डिजिट है वो काउंट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने डिजिट है? 6 है, तो यहाँ लिख देंगे हम इसको यू का यू, 6, 7, 8। अपॉन में क्या करना है हमको? 0 लिखने। कितने थी यहाँ पे? 6 डिजिट थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1। ये हमारा हो गया ये रेशनल नंबर। अगर आप चाहते हो आगे इसको, तो इसको डिवाइड करके इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ओके, अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये तो था टर्मिनेटिंग नंबर, लेकिन अब जो हम पूछेंगे क्वेश्चन वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। कैसा है? सो दैट 0.3333 डॉट डॉट डॉट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 बार। बार का मतलब है जिस डिजिट के ऊपर बार लगाए वो रिपीट होती जा रही है। ओके, यानी 3 के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब क्या है? 3 इसके बाद आगे से रिपीट होता जाएगा। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो डिजिट है इसके अंदर, इसको हमको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो इस डिजिट को ध्यान में रखेंगे हम, तो सबसे पहले मान लेंगे लेट 0.333 डॉट 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 इक्वल टू एक्स, इसको एक्स मान लेंगे। मैंने यह 3 बार नहीं लिखा है, क्योंकि आपको आगे सब्ट्रैक्शन के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया है 3.333। अगर आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 3 बार से भी आराम से कर सकते हो। फिर हमें क्या करना है? अब यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? एक डिजिट ही रिपीट हो रही है, सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है। तो एक 0 वाले डिजिट, मतलब कि 10, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो एक 0 वाले ही डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 10। अगर 2 डिजिट होती तो क्या करता? तो 2 0 वाले क्या होता? 100। ओके, तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए क्या किया, दोनों तरफ मैंने इसको और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जब भी हम किसी डिजिट 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, ये पॉइंट कितने 0 है इसके अंदर? 1 0। ये पॉइंट यहाँ से एक डिजिट पीछे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 0 है, इसलिए कितनी डिजिट पीछे चला जाएगा? एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया पॉइंट। अब वापस मैंने पीछे 3 3 लिख दिया, देखो ऊपर 3 3 थे, 1 2 3 और डॉट डॉट लगाए थे मैंने आगे, फिर मैंने वापस 3 3 लिख दिया। क्यों? इस डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे 3 है, ठीक है ना? अगर हम किसी ओशन में से एक बूंद निकाल दें तो ओशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे 3 है, उन 3 में से अगर मैं एक 3 को यहाँ आगे ला देता हूँ तो पीछे वाले 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे ऐसे ही इनफाइनिट 3 चलते जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा? 10 एक्स हो जाएगा। इक्वेशन लिख दिया हमने इसको 1, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है ये 3.333 डॉट 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 इक्वल टू 10x। फिर यहाँ पे क्या करना है, अपॉन में लिखना है 0.333। अब माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस का, तो पीछे से माइनस करेंगे, तो डॉट डॉट को यू का यू लिख दो, 3 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 0। इसका मतलब पीछे वाले जितने भी 3 होंगे वो आपस में लेस हो जाएंगे, और पीछे क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, पीछे सारे 0 0 आएंगे इनफाइनिट। अब यहाँ पे जो आगे बचा है 3, 3 माइनस 0 क्या होगा? 3। तो क्या लिखेंगे इधर? 3.000, पीछे वाले सारे 3 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, लेस होके। वैसे 10 माइनस x, ये 10x माइनस x होगा, तो 10x में से अगर 1x माइनस हो जाएगा तो पीछे कितने x बचेंगे? 9। अब ये पीछे वाले हमने पॉइंट यहाँ नहीं लिखे, सीधा लिख दिया 3, और यहाँ आ गया 9x, 9 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/9। इसको कट करेंगे 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हमारा आंसर आया 1/3 इक्वल टू x। ये x हमारा क्या है?
0.3 बार, जो क्या हो जाएगा 1/3। इस तरह से हमने इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैंने लिया है 8। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, क्वेश्चन लिखा है सो दैट 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको लिख सकते हो आप 0.235 बार, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया कि पीछे वाला जो एग्जाम्पल हमने किया था उसके अंदर एक ही डिजिट थी और पॉइंट के बाद वो सीधी ही रिपीट होती जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन टाइप की डिजिट है। देख लीजिए पॉइंट के बाद क्या है, 0, 2 है, फिर 3535 है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने का चांस ज़्यादा था, इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमको इसको पहले वाले तरीके से ही सॉल्व करना है। हम क्या मान लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये एक्स है। अब मैंने पिछली बार बताया था कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने जीरो वाले से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट होगी उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमको यहाँ पे 2 को नहीं देखना है क्योंकि 2 वापस रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 3 5। तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 3535, यानी दो दो डिजिट रिपीट हो रही है। तो दो जीरो वाली डिजिट कौन सी, 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस साइड को भी इस साइड को भी। तो यहाँ पे इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये पॉइंट कितनी डिजिट पीछे चला जाएगा, 1 2, क्योंकि 100 के अंदर जीरो कितने हैं, 2 0 है। तो ये पॉइंट मैंने बताया था कहाँ चला जाएगा, दो डिजिट पीछे, 1 2। तो 2 3 के पीछे ये पॉइंट चला जाएगा। तो यहाँ 2 3 हमने आगे लिख दिया, फिर पीछे पॉइंट, फिर पीछे क्या था, यहाँ पे 5 है, 5 को यू का यू लिख देंगे, फिर पीछे 3535 हम यू का यू वापस लिख सकते हैं। 100 × x 100x हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, तो हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, इधर भी माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे पीछे देखिए पीछे वाली सारी डिजिट कट के क्या हो जाएगी, 0, लेकिन यहाँ पे 5 - 2 रहेगा तो कितना रहेगा, 3, पॉइंट के नीचे वापस पॉइंट, 3 - 0 3, और ये 2 का 2। तो 100 - x कितना होता है, 99। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3.3। अब यहाँ पे वापस डेसिमल आ गए, हमको जब पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है तो ये डेसिमल नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे हम, पहले इस 99 जो मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, क्योंकि एक डिजिट बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा और नीचे कितना जीरो आएगा, 1, क्यों, पीछे से काउंट करने पे एक डिजिट बाद ही पॉइंट है। तो पॉइंट हटने के बाद अपॉन में कितना जीरो लगेगा, 1 0 लगेगा। और अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस डिजिट को हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए 2 3 3 और 9 9 0, ये किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो जैसा है हम इसको वैसा ही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हम बता यहीं छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं 0.235 बार इक्वल टू क्या होगा, 233/990। तो आज के होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम द एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। तो आपको इनका सबको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर आपको करवाया था, उसी टाइप से आपको लिखना है और बताना है ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, रिकरिंग है या नहीं है। उसके बाद आपका दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखा हुआ आपके 1/7 है, जिसके और इसने डेसिमल एक्सप्रेशन दे दिया है 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब बिना डिवाइड किए आपको इसकी हेल्प लेके ये सब फाइंड करने हैं। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है नीचे, जैसे यहाँ लिखा हुआ 1.7, आगे इसका डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर 2/7 फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 को आगे ले देंगे, 2 × 1/7। 2/7 क्या होता है, 2 × 1/7 के इक्वल ही होता है, और 1/7 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, हमको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही हमको 3/7 निकालना है, 4/7 निकालना है। तो ये आपको आज होमवर्क में करना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये अभी मैंने लास्ट दो एग्जाम्पल कराए थे वो इससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर आपको देखना है कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो पहली डिजिट है 06 बार, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब एक डिजिट के ऊपर ही बार है, तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान देना 0.47 बार, ये बार सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे भी सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, तो हमको सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 0.007 बार, मतलब कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3, तीन डिजिट के ऊपर बार है, तो मतलब ये तीन डिजिट ही बार बार रिपीट हो रही है। ओके, तीन डिजिट। ओके, तो आज आपको ये होमवर्क में तीनों क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा आपको अपनी नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कर देनी है, जैसे स्कूल ओपन होगा तो हम आपका ये सारा होमवर्क चेक करेंगे, इसलिए आप इसको आज से ही प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है, तो आप उसको देखकर मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व